हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम प्याज के पकोड़े बनाएंगे, बट हम ये पकोड़े बिल्कुल अलग तरह से बनाएंगे। इस पकोड़े में हम पूरी प्याज का यूज़ करेंगे। प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट नहीं करेंगे। शायद ही आपने पहले इस प्रकार के पकोड़े बनाए होंगे। इसमें हम प्याज को फूल के जैसे कट करेंगे। ये पकौड़े दिखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इस प्याज के पकौड़े की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में चलनी रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बेसन और इसे अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं। इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये तीखी नहीं होती, केवल हम इसे कलर के लिए यूज करेंगे। 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 3 से 4 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। 1 टीस्पून नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। टू टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। 1 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार करेंगे। पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बैटर हमारा बनकर तैयार है और बैटर को बनाने में हमने 1 कप पानी का यूज किया है और बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इस प्रकार की रखनी है। अब हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। 2 मिनट बैटर को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम प्याज को कट करेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज की 4 प्याज ली है। अब हम एक प्याज को लेंगे। प्याज के हमें ऊपर के हिस्से को नहीं काटना है, तो प्याज को हम नीचे से थोड़ा सा कट करेंगे। अब हम इसके छिलके को अलग कर देंगे। याद रहे, हमें इसके ऊपर के हिस्से को बिल्कुल भी कट नहीं करना है। तो प्याज के छिलके को हमने अलग कर दिया है। अब हम इसमें कट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बरोबर सेंटर से 1 कट लगाएंगे। हमें इसके ऊपर के हिस्से को कट नहीं करना है, तो आप इस टाइप से इसमें 1 कट लगा लें। अब हम दूसरा कट लगाएंगे। अब हम तीसरा कट लगाएंगे। अब हम चौथा कट लगाएंगे। अब हम इसकी पेटल्स को धीरे धीरे खोल देंगे। पेटल्स को आप सावधानी से खोलें। तो आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी कटकर तैयार है। इसी प्रकार से अब हम दूसरी प्याज कट करेंगे। इसी तरह से हम बाकी की प्याज भी कट कर लेंगे। चारों प्याज को कट कर लिया है। 10 मिनट हो गए हैं और बैटर भी तैयार है। अब हम पकोड़े फ्राई करेंगे। अब हम एक प्याज लेंगे।
प्याज की पेटल्स को हमें अच्छे से खोल लेना है। अब हम प्याज को बेसन के घोल में डिप करेंगे। हमें इसे अच्छे से बेसन के घोल में डिप करना है। अब हम इसका एक्स्ट्रा सारा बैटर निकाल देंगे। अब हम इसे तेल में फ्राई करने के लिए डालेंगे। गैस ऑन करके पैन में तेल गरम कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और पकोड़े को तेल में छोड़ेंगे। एक बार में हम केवल दो ही पकोड़े फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। पकोड़े पे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी प्रकार हम बाकी के पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। लीजिए तैयार है गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।